हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो, इट्स क्रेजी हैकर। तो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कैसे पानी से गाइस पानी से चल रहा है बाइक। तो ये वीडियो किया था मिस्टर इंडियन हैकर ने, तो उसको आइए हम आपको फिर आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो एक सब्सक्राइब का बटन गाइस दबा दीजिए प्लीज़। चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। का पेट्रोल टैंक खोलते हैं कुछ इस तरीके से, और फिर हमारे पास है यहाँ पर बहुत सारा पानी, करीब करीब 20 लीटर। इसे हम डाल देते हैं इस गाड़ी के पेट्रोल टैंक के अंदर कुछ इस तरीके से। आप देख सकते हैं कि ये पानी ही है, और ये सच में बहुत सारा पानी है। मतलब हमने एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर हमने गाड़ी को दारू से चलाया था, तो काफी लोगों ने कमेंट किया कि भाई हिम्मत है तो गाड़ी को पानी से चला के दिखाओ। तो आप देख सकते हैं कि हम जो है गाड़ी के पेट्रोल को टैंक को पानी से भर रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम गाड़ी को पेट्रोल से नहीं बल्कि पानी से चलाने वाले हैं। तो अब शुरू कर। इस तरीके से गाड़ी को पानी से चलाना तो इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा साइंटिफिकली सोचना होगा। तो हमें इसके लिए एक जरूरत पड़ेगी सिंपली एक कुकर की और कैल्शियम कार्बाइड की। ये है चीज गाइस, कैल्शियम कार्बाइड। और इसकी कमाल की बात यह है कि अगर हम इसे पानी के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर से एक कमाल की फ्लेमेबल गैस एसिटिलीन निकलती है, और हम उसी से गाड़ी को चलाने वाले हैं। क्योंकि अब हम क्या करते हैं, हम सिंपली इसे जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है बाइक का एयर इंटेक वाला पाइप है। हम क्या करते हैं, हम सिंपली इस जो ये जो सुई है, इंजेक्शन है, इसे सीधा ही इसके अंदर कुछ इस तरीके से डाल देते हैं। अब गाड़ी को स्टार्ट करें। ओके, नोजल खुला हुआ है, सुई भी लगी हुई है। हो रही है, दूर रख इसको, थोड़ा सा दूर रख। ओके गाइस, तो चलो थोड़ा सा गाड़ी को चला के देखते हैं। इंजन के अंदर से अजीब सी आवाज आ रही है, तो चलो इस गाड़ी को चला के देखते हैं कि इतने से कैल्शियम कार्बाइड के अंदर हमारी गाड़ी कितनी दूर तक चल पाती है। ये सिर्फ हमने आपको ये दिखाने के लिए ये वीडियो बनाई थी, मतलब कि यार कि जो गाड़ियां हैं, गाड़ी के इंजन जो है वो किसी भी ऐसी चीज से चलाई जा सकती है जो कि फ्लेमेबल हो, जैसे कि अल्कोहल हो गया, पेट्रोल, डीजल। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देख सकते हैं कि हाँ यार, थोड़ा सा दिमाग लगा के आप गाड़ी को पानी से भी चला सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।